आगुआ निर्वाचन नहीं बीजेडी प्रस्तुत। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन कमिशन को भेटिले बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्र। आगुआ निर्वाचन प्रसंग में बीजेडी पक्षर से निर्वाचन कमिशन को भेट एक दावीपत्र प्रदान करोथे उल्लेख रही जदि केन्द्र सरकार 2019 पूर्व लोकसभा निर्वाचन पर योजना करे एका संगे ओडिशा विधानसभा निर्वाचन करजेडी पक्षर अनुरोध कर एका संगे लोकसभा एवं ओडिशा विधानसभा भोट हेले पाखापाखि हजारे कोटी टंकार खर्च कमिज। विजु जनता दल तरफ आम गोटे रिक्वेस्ट कर 2004 मसीह नवीन बाबू विजु जनता दल सरकार गोटे वर्ष भांगी देकर आगु इलेक्शन कराइले ताकि साममिलटेनियस इलेक्शन जोगुरु लोक मानकर सेथरे बेनिफिट अछि कहीं एबे साममिलटेनियस इलेक्शन रे आमको प्राय 1000 करोड़ सेविंग हबो कहीं जितेबाला साममिलटेनियस इलेक्शन हुए सेंटर बेयर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस स्टेट रो एक्सपेंस बहुत कमी जाए तेणु ऑलमोस्ट 1000 कोटी टंका आमर सेविंग हबो। तेज यह संपर्क में अधिक आलोचना करवा अधिक आलोचना करने आम सहित आम चीफ एडिटर सौम्यजित पट्टनायक फोन लाइन में जोड़ होती। सौम्यजित आगुआ निर्वाचन नहीं निर्वाचन कमिशन के निकट में पिनाकी मिश्र आउ सब कौन दाबी रखिंट विस्तृत भाव जानवु देखो तो प्रवीण पिनाकी मिश्र आज भेटी चीफ इलेक्शन कमिशन को कमिशनर को दिल्ली में भेटी से एक चिठी देते विजु जनता दल तरफ एक चिठी इलेक्शन कमिशन को देते जो थे से लिखिंट कि जो इलेक्शन खर्च संपर्क में विस्तृत भाव लिखिं कि जितेबाला लोकसभा लोकसभा इलेक्शन होते केन्द्र सरकार ताको बहन करते स्टेट असेंबली गुड़िक इलेक्शन हुए से राज्य राजकोष रु से अर्थ व्यय करा जाए तेणु जोटा प्राय तेणु जदि कितु जदि जितेबाला साममिलटेनियसली हुए लोकसभा असेंबली इलेक्शन हेले से जो एक्सपेंडिचर था सेटा 50-50 शेयरिंग हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट गवर्नमेंट भितर तेणु पिनाकी मिश्र लिखिंट कि जेहेतु जदि एकाठी निर्वाचन न हुए तो राज्य सरकार को अधिक 1000 कोटी टंका व्यय करिया पड़ा इलेक्शन आउ तेणु एकाठी निर्वाचन हो गले कॉस्टा शेयर हबो आउ एटा 1000 कोटी टंका सेव करि परिबे सेटा लेखि देइछन्ति तेणु से एडिक्वेट प्रिपेरेशन करबा पई से कहिछन्ति कि इलेक्शन कमिशन कि आपण जदि चिंता करुछन्ति कि जे सेंट्रल गवर्नमेंट चिंता करुछि कि लोकसभा इलेक्शन को प्रीपोन कर देबे आगुआ करबा को जदि किछि चिंता करा जाउछि 2019 आगुरु जदि चिंता करा जाउछि तेणु पिनाकी मिश्र रिक्वेस्ट करले इलेक्शन कमिशन को तेणु आपण माने एडिक्वेट प्रिपेरेशन करंतु कि ओडिशा रे भी साममिलटेनियस इलेक्शन हो जो थे कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता 1000 करोड़ 1000 कोटी सेटा सेव हो पार से कहते कि गोटे इमर्जिंग स्टेट अपकमिंग स्टेट ओडिशा 1000 कोटी टंका सेटा अफोर्ड करिबा तापाई माने सेटा संभव मानने कमिज तेणु से लिखिंट आई कि जो साममिलटेनियस इलेक्शन कथा जो कहते से लिखिंट कि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो सेपरेट पोल आगुरु सेपरेट इलेक्शन होता विधानसभा लोकसभा को ये जो साइकिल चलता ताको नवीन पट्टनायक ब्रेक कर 2004 मसीह से एका सांगे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन कराइले जोटि की राज्य विधानसभा 2005 मसीह 2004 मसीह कहीदे प्रवीण जो 1971 पर्यंत ओडिशा रे भी लोकसभा असेंबली इलेक्शन एका सांगे होता तापे जा 2004 मसीह 33 वर्ष पर जोटा कि पिनाकी मिश्र चिठी में उल्लेख रही 1971 साममिलटेनियस लोकसभा असेंबली इलेक्शन हो नाला जैक 2004 मसीह 33 वर्ष पर मुख्यमंत्री स्टेप नहीं तेणु से कहते कि एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर कारण सेपरेट हेले जो असेंबली इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो 1000 कोटी हम सेटा कम्प्लीटली राज्य सरकार को बहन करने को पड़ो।
किंतु समयित वर्तमान समय रे निर्वाचन कमिशन जो भाव में मूल रही कही आसुचंती सांविधानिक आईन परे परिवर्तन अणागले ही एका संगे निर्वाचन पॉसिबल एपटे बीजेपी बारंबार दोहरे आसुची निर्वाचन करा जिबे नै आमे प्रस्तुत अछु एवं योजना करूछु एभळि स्थिति रे निर्वाचन कमिशन को पाखकु जिबा एवं पिनाकी मिश्रंकर भेटिबा केते फलप्रद बा केते फायदामंद हेबो बोली आमे कहि परिबा आपण जो क्वेश्चन उठेले ସେଇଟା ହେଲା କି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲୋକସଭାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଏଇଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା କି ଯୋଉ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଏସବୁ ଏମ୍ପି ରାଜସ୍ଥାନ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଡିସେମ୍ବରରେ ବୋଧେ ହବ ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତ ଏଇ ତା ପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଏବେ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ଡ୍ୟୁ ଅଛି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2019 ମସିହାରେ ନ କରିକି 2018 ଡିସେମ୍ବରରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ ସାଙ୍ଗରେ କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆଡିକ୍ୱେଟ ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରବୀଣ ଇଭେନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ସେ ବି ଏନେଇ ସେ ବି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି ଆମର ବି ଆଗରୁ କରିଦେବ ବୋଲି ତେଣୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଡିସେମ୍ବରରେ 2019 ଏପ୍ରିଲ କି ମେ ରେ ନ ହେଇକି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର କହିବା କଥା ବିଜେଡି ଦଳର କହିବା କଥା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲଜିଷ୍ଟିକ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଇଭିଏମ୍ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ କରିବାକୁ ତେଣୁ ଆଗରୁ ତେଣୁ ଆଜି ବିଜେଡି ଇନଫର୍ମ କଲା କି ଆପଣ ମାନେ ଇଲାବରେଟ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ହବାର ଅଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବାର ଅଛି ଆମର ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ